हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं एक नई रेसिपी आपको दिखा रही हूँ, जलेबी। जलेबी के लिए मेरे सामग्री 4 चम्मच मैदा, 4 चम्मच मैदा, ये बेकिंग पाउडर है, इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, एक कलर ऐड करेंगे, ये देखिए मैंने इसको घोल लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा एकदम से नहीं डालना है, इतना ऐसा रहे देखिए। और इसको घोल के और इसको कम से कम आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए, को अच्छे से इसको फेंट लेना है। इसमें 1 चम्मच दही भी पड़ा हुआ है, मैंने दही भी डाला है। इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे और फेंट के आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इतनी चीनी है, थोड़ी सी कटोरी खाली है, जितनी चीनी है उसका आधा पानी है। ये देखिए इसकी चाशनी बना लेंगे, चाशनी जब उबलने लगे तो चीनी घुल जाए तो उसमें 1/4 नींबू का रस डालना है ताकि चाशनी जमे ना पाए। अभी मैं नींबू का रस इसमें डाल रही हूँ, अब इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे। नींबू रस डालने के बाद रस कम से 4-3 मिनट और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। आपको 1-2 तार की नहीं, कोई अच्छे से गाढ़ी चाशनी चाहिए जलेबी की। ऐसे ये देखिए जलेबियाँ चाशनी में डूब गई हैं, देखिए कितनी कलर कितना अच्छा आया और कितनी, देखते ही मुँह पे पानी नहीं आ रहा कि तुरंत जल्दी से इसको खा लिया जाए। बहुत अच्छी बनी है। ये देखिए इसमें कितनी सुंदर जलेबी है, कलर भी अच्छा है, पूरी चाशनी में भीगी हुई है।